देश के कई हिस्सों में किसानों के लिए सिरदर्द बन चुका। टिड्डों का दल अब दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी पहुंच चुका है। टिड्डी दल को गुरुग्राम स्थित बेवली पार्क, गार्डन एस्टेट और हेरिटेज सिटी के अलावा दिल्ली से लगती सीमा पर सिकंदरपुर की इमारतों के ऊपर भी देखा गया। इसके बाद टिड्डी दल हरियाणा के पलवल की ओर बढ़ गया। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने खुद इनका एक वीडियो बनाकर अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया। दरअसल बताया जा रहा है कि इनकी झुंड करीब 10 किलोमीटर लंबी है और इसे लेकर एटीएस ने हवाई जहाजों को टेक ऑफ करते समय विशेष ध्यान देने को कहा है। सूत्रों की माने तो भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डागर के पास इसे लेकर कई किसान कॉल भी कर चुके हैं। बता दें कि मई में देश में टिड्डी दलों ने पहले राजस्थान में हमला किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फसलों को नुकसान पहुंचाया। सरकार ने इस पर किसानों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया था। इस वर्ष टिड्डियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में हमला किया है। आपको बता दें कि टिड्डी दल पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। इस वर्ष सबसे पहले ये पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए पूरे देश में पहुंच चुकी है। इधर दिल्ली में पहुंचने के बाद एटीएस ने एयरप्लेनों को टेक ऑफ करते समय विशेष ध्यान रखने की हिदायत भी दी है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।